अग्निवीर जिनको बोला जा रहा है उस तरीके से, और वहाँ पे एक जो भर्ती करने की कोशिश जो पहल शुरू की थी उसी को लेकर के ये प्रोटेस्ट है। यहाँ पे धारा 144 लागू कर दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूँ अमित अमन। फिलहाल अभी हम रेवाड़ी के अंदर मौजूद हैं और रेवाड़ी बस स्टॉप के ऊपर हम मौजूद हैं। बस स्टैंड आपको पीछे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सबसे बड़ी जो न्यू अपडेट है यहाँ से वो ये है कि यहाँ पे धारा 144 लागू कर दी गई है। डीसी के आदेश से सुबह के दौरान में यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ, जमकर बच्चों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया और उसके अंदर जो बवाल काटा है उसके चलते हुए यहाँ पे अभी धारा 144 लगा दिया गया। बताया गया कि यहाँ पे 4 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने की बिल्कुल भी इजाज़त यहाँ पे नहीं है। ये साफ़ तौर पे डीसी के आदेश पर यहाँ पे हुआ है। तो सुबह जो प्रोटेस्ट हुआ था, जिस तरीके से जो अग्निवीर जिनको बोला जा रहा है उस तरीके से, और वहाँ पे एक जो भर्ती करने की कोशिश जो पहल शुरू की थी उसी को लेकर के ये प्रोटेस्ट है, और उसके दौरान अब यहाँ पे वो प्रोटेस्ट रेवाड़ी में किया जा रहा है। कि बार बार बताया जा रहा था कि पिछले 2-3 दिन से लगातार जो चीज़ें हैं वो चल रही थी कि किस तरीके से 4 साल के लिए एक भर्ती निकाली गई है सेना के अंदर, जो कि तीनों ही सेनाओं के अंदर होगी, और उसके चलते जो प्रोटेस्ट है, जो विरोध है, वो यहाँ पे दर्ज करवाया गया था। युवा यहाँ पे मौजूद थे, और सुबह के दौरान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इसी जगह पर लगी हुई थी, और उस दौरान की जो तस्वीरें हैं वो भी आपके सामने मौजूद हैं कि क्या उस समय पर हुआ था, और हालात को देखते हुए यहाँ पर जो हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे उनको संभालने के लिए, उन्हीं हालातों को देखते हुए यहां पे जो पुलिस प्रशासन है उसको सख्त कदम उठाना पड़ा और धारा 144 लगानी पड़ी, जो कि बार बार यहां से भी अनाउंसमेंट हो रहा है कि यहां पे धारा 144 लगा दी गई है बस स्टॉप से। बाकायदा यहां पे अभी भी जो अनाउंसमेंट है वो पीछे की तरफ चल रही है कि यहां पे धारा 144 लागू है और 4 लोगों से ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे नहीं हो सकते, धारा 144 यहाँ पे लागू कर दी गई है। तो अब ये सुनिश्चित नहीं है कि कब तक की गई है, लेकिन अभी फ़िलहाल बच्चों के रोष को देखते हुए यहाँ पे धारा 144 लगा दी गई है, और बस स्टॉप के ऊपर आप देख भी सकते हैं कहीं भी आपको 4-5 लोग एक जगह पे इकट्ठे नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पे चलते हुए लोग आपको ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन लोगों को यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा होने से मना कर दिया है। तो पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है वो यही है कि सुबह के दौरान में प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट के चलते अब यहाँ पे धारा 144 को लागू करना पड़ा है। तो अब यहाँ रेवाड़ी के अंदर कहीं भी लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है, 4 से 5 लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो सकते, जो कि एक बड़ा सवाल यहाँ पे अब पैदा हो चुका है। लगातार ऐसी चीज़ें अब हो रही थी, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस बल जो है वो तैनात है, और पूरा का पूरा जो रेवाड़ी है उसके अंदर, उस रेवाड़ी की ये जगह है जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ एक छावनी के तौर पे तब्दील कर दिया गया। अगर उधर की बात करें हम, नाईवाली चौक जिसको बोलते हैं, राव तुलाराम चौक के ऊपर, वहाँ भी पुलिस बल बहुत ज़्यादा तैनात है, और यहाँ बस स्टॉप के ऊपर भी पुलिस बल लगातार यहाँ पे तैनात है, और सुबह से ही जो सारी चीज़ें हैं वो चल रही हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट को लेकर के यहाँ पे भारी हंगामा सुबह हुआ था, और उसी प्रोटेस्ट के चलते अब पुलिस प्रशासन को एक निर्णय लेना पड़ा और धारा 144 यहाँ पे लागू करनी पड़ी, और उसके तहत अब यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो 4 से 5 की संख्या में इकट्ठे एक जगह पे नहीं हो सकते हैं। तो अब फिलहाल जो अपडेट थी वो यही है। यहाँ से आगे की जो भी अपडेट रहेगी वो आपको बताते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।